हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड ग्रामर लेसन नंबर टेन दट इज मेन वर्ब्स एंड प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब्स स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी वर्क बुक आंसर्स ओके जितने आपके वर्क बुक में जो भी यहाँ पे दिया हुआ है करने के लिए आपको खुद से वो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ एक्सप्लेन करते हुए चलते हुए सारे ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करती हूँ आपका कि वॉट इज़ मेन वर्ब्स प्राइम एंड प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब्स क्या है ये सो देखो हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है ठीक है और ये जो मेन वर्ब है मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस और शोज व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़ हैज़ और डज़ क्या कर रहा है वो ठीक है क्या एक्शन है उसकी या फिर क्या मतलब कि उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है उस पर्सन के बारे में बताता है या फिर उस चीज़ के बारे में बताता है और जो वो चीज़ बताती है वही होती है हमारी मेन वर्ब ठीक है द मेन वर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब याद रखिए मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं ये याद रखना है मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन अकेले हम उसे दिखा सकते हैं ठीक है या फिर और दे कैन बी यूज विद हेल्पिंग वर्ब साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है मेन वर्ब तो होगा ही अकेले भी रह सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी रह सकता है हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब को दूसरा नाम हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों ही एक नाम है इसके जैसे यहाँ पे देखो नेहा एट एन एप्पल नेहा एक सब्जेक्ट है क्या कर रही है वो खा रही है एक एप्पल तो यहाँ पे नेहा आपका सब्जेक्ट हुआ एट क्या हुआ आपका वर्ब हुआ एप्पल क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं भी लगा रही हूँ तो अगर मैंने बोला नेहा एट मतलब नेहा ने खाया ठीक है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब तो हम क्या क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है वो चीज़ जो दिखा रहा है वही क्या है मेन वर्ब तो यहाँ पे एट क्या है मेन वर्ब है दूसरा क्या है ध्यान से देखिए अब यहाँ पे देखिए दिया इज़ ईटिंग एन एप्पल अब ध्यान से देखिए ये ईटिंग क्या है ईटिंग यानी खा रही है Okay, तो ये हमारे जो ये एक्शन कर रही है वो क्या है यहाँ पे ये हो गया आपका मेन वर्ब लेकिन यहाँ पे एक वर्ब और आया हुआ हुआ है जो कि ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग है जो कि, कि किसके साथ में लगा है मेन वर्ब के साथ में लगा है ठीक है तो हेल्पिंग वर्ब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि ये आपका मेन वर्ब है इस क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है सिंपल है दिस बेबी इज ब्यूटिफुल अब यहाँ पे देखो ये जो इज़ है यहाँ पे कुछ भी अब यहाँ पे बेबी बोला गया ठीक है दिस बेबी आपका सब्जेक्ट हो गया इज़ यानी है ये वर्ब कि एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम हो रहा है ब्यूटीफुल ये तो हम एडजेक्टिव बता रहे हैं कि वो सुंदर है यहाँ पे कोई काम करते हुए कोई एक्शन करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है इज को यहाँ पे एज अ मेन वर्ब दिखाया जा रहा है का मतलब है भी होता है ठीक है कि यह बेबी कितना सुंदर है ठीक है यह बेबी ब्यूटीफुल है सुंदर है तो ये इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है सैफ डांसेस वेल अब यहाँ पे देखो ये डांसेस यानी सैफ डांस अच्छा करता है तो यहाँ पे डांसेस क्या है ये मेन वर्ब है सैफ आपका सब्जेक्ट हुआ ओके और डांसेज वर्ब डैनी हैज़ थ्रोन द फुटबॉल अब ये थ्रोन यानी फेंका ठीक है फेंका तो थ्रोन क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है डैनी के बारे में बता रहे हैं उसने फुटबॉल को फेंका क्या एक्शन किया उसने फेंकने का और हैज़ क्या है इस मेन वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुआ है तो थ्रोन आपका मेन वर्ब है और हैज़ क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलो बोथ और सेम अर्जुन वॉज हंग्री अब ये अर्जुन भूखा था यानी अब ये वॉज़ क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है ठीक है भूखा था यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिख रहा है कुछ कर नहीं रहा है हंगरी बता रहा है उसे ठीक है तो यहाँ पे वो भूखा था तो यहाँ पे मेन वर्ब वॉज आया सो एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब देखो दोनों ही बोला गया ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब दोनों तो एक ही का नाम है अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने क्या सीखा है यहाँ पर ऑक्सिलरी ऑगजलरी और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अभी देखते हैं हम प्राइमरी तो जो ऑग्जरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो सकता है प्राइमरी ऑगजलरी वर्ब भी हो सकता है मॉडल ऑक्जरी तो पहला हम क्या देखेंगे प्राइमरी ऑग्जलरीज अब यहाँ पे यही जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑगजरी वर्ब है उसका हम पहला देख रहे हैं प्राइमरी ऑगजलरी वर्ब उसका पहला टाइप तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी ऑग्जरी वर्ब होता है ये यूज़ होता है टेंस को बनाने में ठीक है मूड्स और वॉइस को ऑफ़ अदर वर्ब्स ठीक है उनको बनाने में हेल्प करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है इंग्लिश में बी हैव डू ये मेन है एंड देयर वेरियस फॉर्म्स तो ये बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं हैव के जैसे हैज़ हैड हैव ये अलग अलग फॉर्म है डू का लाइक डिड डन ओके डू ये सब अलग अलग फॉर्म है देखो यहाँ पे आप समझिएगा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है टू बी ये यानी कि ये वाला हम पहले देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हम बी वाला देखेंगे बी में क्या क्या आएगा टू बी से क्या क्या आएगा इसमें एम इज आर वॉज वेर विल बी शैल बी ये सब के सब टू बी का है ठीक है यानी प्राइम प्राइमरी वर्ब का बी वाला जो है ठीक है वर्ब बी जो है उसमें से यहाँ पे ये सारे हैं अब हैव वाला देखो यहाँ पे टू हैव का क्या क्या है हैज़ हैव हैड तीनों यूज़ होता है ओके वर्ब यहाँ पे डू वाला देखो तो मैंने बताया था डू do का डज डू डिड ये हो गया और यहाँ पे क्या है मेन वर्ब्स जैसे देखो यहाँ पे द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस अब यहाँ पे देखते हैं समझते हैं एज अ मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने पहले भी देखा मोना इज़ प्रिटी एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो देखो यहाँ पे क्योंकि एक पूरा आपका क्या है यहाँ पे वर्ब है ठीक है ये वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है तो दोनों ही यहाँ पे एज अ प्राइमर प्राइमरी ऑक्सिलरी ऑक्जरी यूज़ हो रहा है ये इसी में काम देख रहे हैं ना टू बी वाला प्राइमरी वाला तो ये दोनों ही यूज़ हो जा सकता है एज अ मेन वर्ब भी और एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ होता है डज डज यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम शरीश डज दिस जॉब वेरी विज तो शीरीष ये जॉब बहुत अच्छे से करता है ठीक है शेरीष ये जॉब बहुत अच्छे से करता है शीरीष डज़ नॉट वॉन्ट एन ऑरेंज अब ये देखो वॉन्ट क्या है आपका ये आपका वर्ब है लेकिन वर्ब के साथ में भी यहाँ पे डज यूज़ हुआ है ठीक है ये ये क्या है टेंस बनाने के काम में आता है जब आप टेंस पढ़ोगे तो समझोगे कि ये जो डज है डू है ये यूज़ होता है वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नेगेटिव बनाने के टाइम इंट्रोगेटिव बनाने के टाइम तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से यूज़ हो रहा है डज यानी करता है और यहाँ पर डज हम जब नेगेटिव बना रहे हैं इन टेंस को ठीक है प्रेजेंट इन टेंस को यहाँ पर मेन वर्ब वॉन्ट है और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे और यहाँ पे ये मेन वर्ब है ठीक है और यहाँ पे डज ये पूरा का पूरा एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है डज का मतलब यहाँ पे करता है फिलिप हैज़ थ्री पेंसिल फ़िलिप के पास यहाँ पे हैज़ कैसे यूज़ हुआ है एज अ मेन वर्ब यानी किस सेंस में पास है ठीक है पास है या रखता है जब ऐसे हम यूज़ करते हैं तो एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है फिलिप हैज़ थ्री पेंसिल्स या फिर हम बोलते हैं ना शी हैज़ अ कैट उसके पास एक बिल्ली है तो उसके पास के सेंस में जब हम बोल रहे हैं तो हैज़ हैव यूज़ करते हैं ठीक है आई के साथ मैंने बोला आई हैव अ पेंसिल ठीक है आई हैव अ पेंसिल अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास हैव का यहाँ पे क्या सेंस में यूज़ हो रहा है हैव यानी पास में और वही चीज़ जब यहाँ पे हैज़ हैव अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब यूज़ होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है क्या लग गया यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों क्योंकि फ़र्स्ट फॉर्म तो होता है ईट सेकेंड फॉर्म होता है एट ईट मतलब खाना जैसे मैंने बोला शी ईट आई ईट मैंगो मैं मैंगो खाती हूँ ठीक है और यहीं पे मैंने बोला आई एट मैंगो मैंने मैंगो खाया और वही अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया इटन तो मतलब खा लिया है मैंने और जब ऐसे यूज़ होता है तो उसके पहले हैज़ हैव यूज़ होता है ओके तो यहाँ पे ये हैज़ एक मेन वर्ब के साथ में यूज़ हुआ है ये तो मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है यहाँ पे इज़ डज और हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी कि एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यही यूज़ हुआ है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ओके okay? वीडियो आपको 360 या फिर 480 एट्टी रेजोल्यूशन पर देखना है तभी आपको वीडियो क्लियर दिखेगा अदरवाइज वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा ब्लर दिखेगा तब बार बार कंप्लेन करोगे कमेंट करोगे मिस वीडियो क्लियर नहीं बिल्कुल क्लियर है एकदम साफ़ है सारे पिक्चर्स सारे क्वेश्चन आंसर एकदम क्लियर दिख रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स साथ शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ओके अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कैसे नेगेटिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है देखो यहाँ पे आई हैवंट ये हैवंट क्या होता है? है ये ठीक है ये यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म में दिया है ठीक है तो हैवेंट स्पोकन येट सन आई हैवेंट स्पोकन येट सन तो यहाँ पे देखो हैवंट यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सिलरी यानी स्पोकन क्या है मेन वर्ब है स्पोकन तो मेन वर्ब है यानी बात किया बोला ठीक है बोला और हैवंट यहाँ पे हैव नॉट जो हैव लग रहा है ये ये क्या हो रहा है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ठीक है हेल्पिंग वर्ब है ये और यहाँ पे देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब तो इसका डांस है मेन वर्ब इसका स्पोकन है यहाँ पे लिखा भी गया है ये आई हो क्या आपको में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए कैसे यूज़ होता है देखो डू को पहले लगा दिया अगर हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद में लगाते हैं तो वो बन जाता है आपका नेगेटिव किस सेंटेंस में क्या जैसे देखो डीड यू विश टू स्पेंड स्पेंड टाइम शॉपिंग क्या तुम्हारी इच्छा है शॉपिंग करने की में टाइम स्पेंड करने का तो अब यहाँ पे देखो ये जो डू do डज है हमने तो देखा था ये किसका है डू का है जो प्राइमरी ऑग्जिलरी वर्ब डू है उसका ये फॉर्म है डू डज डीड तो यहाँ पे देखो डू और डीड को कैसे यूज़ किया गया है ऑगजिलरी वर्ब और यहाँ पे जो गेट है गेट का मतलब होता है पाना सीमा गेट द मनी बैग सीमा को गेट का यानी मिलना पाना ठीक है उसका पैसा उसे वापस मिल गया क्या सीमा को उसके पैसे वापस मिले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया डिड सीमा गेट द मनी बैक क्या सीमा को पैसे वापस मिले सो so, डिड यहाँ पे ऑक् वर्ब यूज़ हो रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ये है मेन वर्ब ये है ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो आपका मेन वर्ब है और डिड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब यहाँ पे देख सकते हो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपके लिए एक्टिविटी दी गई करने के लिए टू फॉर्म द वेस टेंसेस अलग अलग टेंसेज ये टेंस जब आप पढ़ोगे तो टेंस आपको समझ में आएगा कि यह हेल्पिंग वब जिस तरीके से यूज होता है शेखर वॉज अब वॉज यहाँ पे देखो हेल्पिंग वब है स्टडिंग क्यों हेल्पिंग वब है क्योंकि यहाँ पे स्टडिंग मेन वब तो दिया गया है कि वो पढ़ रहा था वॉज क्या हैल्पिंग वब है दिया गया है, देख सकते हो चिल्ड्रेन आर आर ये आपका हेल्पिंग वब यूज़ हुआ है यहाँ पे और स्विमिंग स्विमिंग का मतलब होता है यहाँ पे तैरना ठीक है तो स्विमिंग ये आपका मेन वर्ब हो रहा है कि क्या कर रहा है जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वही तो हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये देखो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जब आप टेंस पढ़ोगे तो समझ जाएगा आपको अब यहाँ पे देखो दिया गया है रीमा वॉज़ देयर ओनली चाइल्ड तो यहाँ पे वॉज यूज़ होगा या वर तो मैं आपको बताऊँ कि वॉज़ यूज़ होगा क्यों क्योंकि आई के साथ और किसी नाम के साथ किसी के भी नाम के साथ में अगर एक नाम यूज़ हो रहा है ना तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं वॉज़ वॉज़ यूज़ करते हैं किसी के नाम के साथ में और आई के साथ में वर कहाँ यूज़ करेंगे तो यू ओके वी दे और या फिर दो नाम आएगा तब या फिर प्लूरल रहेगा कुछ तब द टीचर यानी कि सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तब द टीचर हैड लाइक्ड अब यहाँ पे देखो चूँकि यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है ये सारे टेंसेस की बातें हैं टेंस की चीज़ें हैं ये जब यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है ऑलवेज यू हैव टू लाइक यू हैव टू सेलेक्ट थर्ड मीन्स की वर्ब का थर्ड फॉर्म ओके तो ये लाइक्ड क्या है आपका थर्ड फॉर्म है लाइक्स आएगा या लाइक्ड आएगा तो लाइक्ड आएगा हेड के साथ में लाइट आएगा थर्ड थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म न मालती सैंग ब्यूटीफुल यहाँ पे बोला गया है सिंग सेंग तो अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे सिंग्स होता तब भी यहाँ पे लग सकता था लेकिन यहाँ पे क्यों यहाँ पे बोला क्योंकि मालती क्या है सिंगुलर है सिंगुलर है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ में अगर एस आई एन जी एस होता तो ये लग सकता था क्योंकि सिंगुलर के साथ में कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसलिए यहाँ पे सैंग आएगा मालती सेंग ब्यूटिफुली दे रीच्ड यहाँ पे रीजड यूज़ हुआ है ठीक है रीच्ड दे रीचड क्यों क्योंकि मैंने अब भी बताया आपको कि ये जो सिंगुलर होता है उसके साथ ही एस या ई e एस लगता है क्योंकि यहाँ पे दे है दे के साथ में कभी भी आपका ये यहाँ पे आ, रीचेज नहीं आएगा ठीक है रीचेज हमेशा ऐसे वर्ब में ऐसे आई एस हम कब ऐड करते हैं जब वो सिंगुलर होता है ठीक है सिंगुलर किसी नाम में भी तो दे रीच द एज द डिजर्ट ईजीली रीच यानी पहुँचे ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन अब यहाँ पे वॉन्ट मैंने क्या बताया था सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे आएगा ठीक है वॉन्ट्स होता तो ये लग जाता लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट है तो वॉन्ट है इसलिए यहाँ पे वॉन्टेड आएगा ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन ओके आय एम आएगा या वर आएगा तो हमें पता है एम आएगा क्यों क्योंकि मैंने बताया था आई के साथ में वॉज यूज होगा वर किसके साथ में यूज होगा वी यू दे ठीक है दे इन सबके साथ में यू यू के साथ हमेशा आ जाएगा कभी भी आपको अगर इस दिया हुआ है एम दिया हुआ है नहीं लिखना है अगर उसमें से आर दिया हुआ है तो हमेशा आपको आर सेलेक्ट करना है यू के साथ में तो यू यू के साथ में क्या बताया था मैंने यू के साथ में वर आएगा अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे यू वॉज तो नहीं आएगा कभी आपने नहीं सुनोगा यू आएगा यू आर दे विल एक्सप्लेंड या एक्सप्लेंड क्या आएगा यहाँ पे तो ये आएगा एक्सप्लें ठीक है दे विल एक्सप्लेन क्योंकि यहाँ पे विल है तो कभी भी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर टू द मून यहाँ पे देख लीजिए वॉज यूज़ हुआ है वॉज क्या होता है द बी वॉज ये क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब में आई एन जी एड हुआ है इसलिए हमने गेट नहीं सेलेक्ट किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस तो लिसन्स तो नहीं होगा ठीक है ये सुनने में ही अजीब लग रहा है आपको लग रहा होना, आ, लग रहा होगा आपको शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी तो शी फील तो नहीं आएगा अगर शी है तो फील्स आएगा फील्स क्योंकि जब सिंगुलर है आ, सिंगुलर का मतलब ही शी इट या किसी एक सिंग सिंगल नाम के साथ किसी का भी एक, एक ही नाम है उसके साथ में हमेशा अगर वो प्रेजेंट इंडिफिन टेंस है तो वो उसमें हमेशा वर्ब में एस आई एस ऐड होता है यहाँ पे एस ए आई एस एड नहीं है और ये इसीलिए सब्जेक्ट के साथ में फ़ील नहीं जाएगा फील्स होता तो चला जाता इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फेल्ट शी फेल्ट टेरेबली गिल्टी आई नीड नीड्स आएगा या नीड आएगा कभी भी अगर आप देखोगे तो आई के साथ में आई के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं ऐड होगा ठीक है आई वी यू दे आई वी यू दे के साथ में कभी भी वब में एस या ई एस एड नहीं होता ठीक है दे नीड नथिंग मोर ध्यान से समझोगे तो आएगा अरे ये सारी चीज़ें आपको टेंस का दिया हुआ है ठीक है टेंसेस की ये सारी चीज़ें दी गई हैं इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी इज आएगा या आर आएगा इज आएगा इट के साथ कभी भी आर यूज़ नहीं होता ओके डेस्टिनी हैड डेस्टिनी हैड स्ट्रेंज प्लान यहाँ पे हैड आएगा ठीक है डेस्टनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम अब यहाँ पे डेस्टिनी के साथ हैड क्यों आया क्योंकि हैव हमेशा आई के साथ वी के साथ यू के साथ दे के साथ या फिर दो नाम जैसे राम एंड श्याम हैव ऐसे दो नाम लिया ना तो हैव आएगा ओके तो यहाँ पे डेस्टिनी है डेस्टिनी एक हम सिंगलर को यहाँ पे हम सिंगुलर की तरफ मेंशन कर रहे हैं कि डेस्टिनी यानी लक हमारा स्ट्रेंज आ, प्लान करती है उसके लिए ठीक है मतलब अलग प्लान किया था उसके लिए ये हो गया द होल क्रू स्टेड ऑन दर फीट ऑल नाइट लॉन्ग स्टे आएगा इस्ट्रेड आएगा तो होल क्रू स्टेड आएगा स्ट्रेड ठीक है अपने पूरी रात को खड़े रहिए आपका वो वाला है चेज चेजिंग द सी मॉन्स्टर वाले लेसन का है ये फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्राइमरी वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स तो यहाँ पे देखो, I do. I के साथ कभी भी डज यूज नहीं होगा नॉर्मल सेंटेंसेस में, ठीक आई डो नॉट नो एनी थिंग मैं किसी भी राजा को नहीं जानता योर मजेस्ट्री है ईट एन अमल ये आपका वो वाला लेसन है आपको याद आया होगा ठीक है योर मजस्ट्री अच्छा ये हो गया सो यू आर मैंने बताया था यू के साथ कभी भी इज या एम नहीं आएगा हमेशा आर आता है द क्लाउड्स हैड डिसअपियर वर शाइनिंग ब्राइट ओके तो यहाँ पे दिए गए हैं तो इधर क्या आएगा समझ में आ गया होगा आपको द क्लाउड्स हैड ओके सैली लुक्ड अराउंड द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीड प्रोसीडेड अहेड तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन देख सकते हो कि फटाफट ठीक है ये सारे आंसर्स हो गए मैंने आपको बता दिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कोई ऐड आया तो उसे स्किप मत कीजिए अगर आप स्किप नहीं करते हो इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी चैनल को ग्रो करने में आपका सपोर्ट मिलेगा जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है जो भी आप कमेंट कर रहे हो बन जा रहा है आपके लिए वीडियोस टाइम पे मिल जा रहा है आप भी सपोर्ट कीजिए आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबके अलग अलग प्ले बने हुए हैं एक्सप्लेशन डाइजेस्ट आंसर सबके अपलोडेड हैं साइंस हिंदी जोग्राफी मैथ्स सारे अभी मैथ्स भी आपने बोला था जैसे जैसे आपके कॉमेंट्स रहे वैसे सारे वीडियोज़ बनते जा रहे हैं आगे आपको कोई वीडियो चाहिए जस्ट टू कामेंट इन कॉमेंट सेक्शन ओके यहाँ पे हो गया ये चैप्टर अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है जो जो भी आप डिमांड कर रहे हैं जो भी आपने कमेंट किया वो सब मैं बनाने वाली हूँ आपके ठीक है